तो यार लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। प्रॉब्लम का नाम था रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। आज की वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम का पार्ट टू सॉल्व करेंगे जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट टू, एंड ये लीट कोड की प्रॉब्लम नंबर 82 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट की प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में दोनों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या फर्क है। तो इस प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि हमें लिंक लिस्ट मिलेगी इनपुट में सॉर्टेड लिंक लिस्ट। हमें क्या करना है, जिन भी नोड्स पे डुप्लीकेट नंबर्स हैं उन सारी नोड्स को डिलीट करना है और सिर्फ डिस्टिंक्ट नंबर्स अपनी लिंक लिस्ट में छोड़ने हैं। और हमें क्या करना है, रिटर्न करनी है मॉडिफाइड लिंक लिस्ट जो कि सॉर्टेड ही होगी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है इनपुट में, ये हमें इनपुट में एक लिंक लिस्ट गिवन है, वन इज द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब लास्ट प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया था कि जो भी डुप्लीकेट्स हैं, जैसे यहां 3 और 3 डुप्लीकेट है, यहां पर 4 और 4 डुप्लीकेट है, हमें लास्ट प्रॉब्लम के हिसाब से क्या करना था, इसमें से एक डुप्लीकेट को डिलीट करना था। 4 में से भी हम एक डुप्लीकेट को डिलीट करेंगे। तो नई लिंक लिस्ट हमारी क्या बन रही थी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये तो थी लास्ट प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया है, इस प्रॉब्लम में हमें बोला है कि जितने भी डुप्लीकेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 और ये 4, इनको लिंक लिस्ट में से कम्प्लीटली डिलीट कर दो। तो ये दोनों 3 इस प्रॉब्लम में डिलीट हो जाएंगे एंड ये दोनों 4 इस प्रॉब्लम में डिलीट हो जाएंगे। और हमारी आउटपुट लिंक लिस्ट क्या बनेगी, 1, 2 एंड 5। ये 3 भी डिलीट हो गया, दोनों 3, ये दोनों 4 भी डिलीट हो गए। तो हमारी आउटपुट लिंक लिस्ट बन गई 1, 2 एंड 5। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई होगी एंड लास्ट की प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में हम कौन सी अप्रोच का यूज करेंगे। तो लास्ट प्रॉब्लम में हमने 2-पॉइंटर अप्रोच का यूज किया था, 2-पॉइंटर अप्रोच का हमने यूज किया था लास्ट वाली प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में भी हम इसी अप्रोच का यूज करेंगे, लेकिन अप्रोच के अंदर थोड़ा बहुत चेंज होगा बिकॉज हमें दोनों डुप्लीकेट को इस बार रिमूव करना है। तो हम देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में 2-पॉइंटर अप्रोच को हम कैसे यूज करेंगे। अब हमें करना क्या है, हम 2 पॉइंटर लेंगे, सेम जैसे हम लास्ट अप्रोच में लेते थे, एक प्रीवियस पॉइंटर और एक करंट पॉइंटर। लेकिन इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, प्रीवियस पॉइंटर रहेगा हमारा नल पे, करंट पॉइंटर रहेगा हमारा हेड पे, राइट। तो हमने एक करंट पॉइंटर यह बना लिया, प्रीवियस पॉइंटर मान लो करंट के पीछे खड़ा है, राइट, ये करंट के पीछे ही चलेगा। प्रीवियस पॉइंटर की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, बिकॉज आप देखो यहां पर जैसे ये 2-3 हैं, हमें इन दोनों 3 को डिलीट करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो 2 है इसको 4 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी लिंक लिस्ट जो है वो सही रहेगी, है ना। हमें अगर दोनों 3 को डिलीट करना है तो हमें इस 2 को इस 4 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें इस 2 का भी पॉइंटर चाहिए, इस 4 का भी पॉइंटर चाहिए। अब मान लो 4 पे करंट खड़ा है तो 2 के पॉइंटर के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए प्रीवियस काम आएगा। ये जब हम अभी अप्रोच समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि प्रीवियस का यूज हमें कैसे करना है और कब करना है। तो हमने क्या किया, एक प्रीवियस पॉइंटर ले लिया, एक करंट पॉइंटर ले लिया। अब करंट क्या करेगा, पूरी लिंक लिस्ट पे वही ट्रेवर्स करेगा, राइट, जैसे पिछली अप्रोच में कर रहा था। करंट का काम सिर्फ यही है कि वो लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स करेगा। तो अब हमें क्या करना है, करंट को स्टॉप करने के लिए हमें एक कंडीशन तो लगानी पड़ेगी, राइट। तो कंडीशन उसकी क्या होती है कि व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक आप करंट को आगे करते रहो। ट्रेवर्स तो हम लिंक लिस्ट में ऐसे ही करते हैं ना, कि एक पॉइंटर को हेड पे खड़ा कर दिया और जब तक वो पॉइंटर नल नहीं हो जाता तब तक अपना टास्क परफॉर्म करते रहो और उस पॉइंटर को आगे करते रहो। तो लूप सिर्फ इतना चलेगा, जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक हम टास्क को परफॉर्म करेंगे, है ना, तब तक हम डुप्लीकेट्स को चेक करेंगे। अब हमें क्या करना है, करंट को हमने हेड पे प्लेस कर दिया, प्रीवियस को हमने नल पे प्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें करंट को उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना है। करंट खड़ा है वन पे, करंट खड़ा है वन पे, हमें करंट को उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना है कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, मतलब दोनों डुप्लीकेट हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगा देंगे नॉर्मली जैसे हम लगाते हैं, इफ करंट की वैल्यू इक्वल टू करंट के नेक्स्ट की वैल्यू, करंट की वैल्यू इज इक्वल टू करंट के नेक्स्ट की वैल्यू। ऐसे हम दो नोड्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा, मान लो कि करंट हमारा इस 5 पे पहुंच गया,
अगर हम अब कंपेयर करेंगे कि करंट की वैल्यू इक्वल टू करंट के नेक्स्ट की वैल्यू, अब 5 के नेक्स्ट पे तो कुछ है ही नहीं, 5 के नेक्स्ट पे है नल। तो अगर हम डायरेक्टली करंट को नल से कंपेयर करवा देंगे तो हमारा आएगा एरर, हमारा कोड जो है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा कि हमने नल वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करी है। उसके लिए हमें ये चेक लगाना पड़ेगा कि करंट का नेक्स्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर तो करंट का नेक्स्ट अवेलेबल है तभी करंट की वैल्यू को उसके नेक्स्ट की वैल्यू से कंपेयर करो। तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपने कोड की कंडीशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। एक कंडीशन तो हमें ये मिल गई कि करंट की वैल्यू को करंट की नेक्स्ट की वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा अगर हमें डुप्लीकेट फाइंड आउट करने हैं। लेकिन उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि करंट का नेक्स्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम कुछ करेंगे, अगर है तो हम कुछ करेंगे, राइट। वो हम क्या करेंगे वो हम आगे देख लेंगे। तो हमने क्या करा, इस कोड के साथ ही हम क्या करेंगे, हम ये लगा देंगे कंडीशन कि इफ करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, राइट। अगर करंट का नेक्स्ट नल नहीं है, अगर करंट का नेक्स्ट नल नहीं है एंड करंट की वैल्यू करंट की नेक्स्ट की वैल्यू के इक्वल है, करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं है और करंट की वैल्यू करंट के नेक्स्ट की वैल्यू के इक्वल है, मतलब दो नोड्स होगी डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के केस में हम अभी देखेंगे कि क्या करेंगे, हम अभी चेक करेंगे कि क्या करेंगे डुप्लीकेट के केस में। लेकिन हम मान लेते हैं अभी के लिए करंट नल नहीं है, करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं है और करंट की वैल्यू जो है, मतलब ये 1 जो है ये 2 के इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं हुई। अब इस कंडीशन के ट्रू ना होने पे हम जाएंगे एल्स के केस में, इफ है तो हम जाएंगे एल्स के केस में। एल्स के केस में हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस को और अपने करंट को दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, हमें कुछ नहीं करना। अगर करंट की वैल्यू करंट की नेक्स्ट की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो हम प्रीवियस को आगे कर देंगे और करंट को आगे कर देंगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले प्रीवियस को आगे कर दिया, तो प्रीवियस यहां से हटा और करंट की जगह पे आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले गए, तो मतलब करंट भी यहां से हटा और इस 2 पे आ गया। अब अगेन हमारा सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, करंट नल नहीं है, हम आए लूप के अंदर, हमने चेक करा कि करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, मतलब ये 3 भी नल नहीं है एंड करंट की वैल्यू करंट की नेक्स्ट की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। करंट की वैल्यू मतलब 2, करंट के नेक्स्ट की वैल्यू मतलब 3, दोनों इक्वल है या नहीं है। हमारे केस में दोनों इक्वल नहीं है तो अगेन हम सेम चीज परफॉर्म करेंगे कि प्रीवियस को आगे कर दो और करंट को आगे कर दो। तो प्रीवियस यहां से हटा और करंट की जगह पे आ गया और करंट यहां पर हटा और 3 पे आ गया। अब हमें क्या करना है, अगेन हमें सेम चीज चेक करनी है, करंट नल नहीं है, हम आए लूप के अंदर, है ना, जो हम व्हाइल लूप चलाएंगे हम उसके अंदर आए। अंदर आके हमने ये इफ कंडीशन चेक करी, करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं है एंड करंट की वैल्यू इज इक्वल टू करंट के नेक्स्ट की वैल्यू, मतलब ये 3 और ये 3 दोनों इक्वल हैं। अब हमारे केस में दोनों हो गए इक्वल। अब देखते हैं हमें डुप्लीकेट के केस में क्या करना है, क्योंकि अब हमें डुप्लीकेट मिल चुके। डुप्लीकेट के केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो करंट है इसकी जो वैल्यू है, मतलब ये जो 3 है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, राइट। मान लो हमने एक वेल नाम का वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हमने इस 3 को डाल दिया, जो भी नोड हमें डुप्लीकेट मिले उसकी वैल्यू को हमने एक वेल नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, इस वेल को हमने अलग रख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि हमारे पास कितने 3 हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 3 है, ये भी 3 है, क्या पता यहाँ भी 3 होता, क्या पता यहाँ भी 3 होता, क्या पता यहाँ भी 3 होता, मे बी आगे के सारे 3 होते। तो हमें अब एक लूप चलाना पड़ेगा कि जब तक करंट की वैल्यू हमारे इस वैल्यू के इक्वल आ रही है, हमने डुप्लीकेट की वैल्यू निकाल ली, अब हमें लूप चलाना पड़ेगा कि जब तक इस करंट की वैल्यू 3 के इक्वल है तब तक करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाते रहो। लेकिन इसमें भी हमें वही एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मान लो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, है ना, यहाँ भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता, और हम उसके बाद यहाँ चेक कर लेते कि यहाँ 3 है कि नहीं है। अब ये है नल, हमारी फिर से नल एक्सेप्शन आ जाती। तो हमें अगेन कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल है एंड करंट की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल है, मतलब 3 के इक्वल है, तब तक करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाते रहो। हम सबसे पहले अपना ये साफ कर लेते हैं बोर्ड पूरा। तो हमने क्या देखा, हम अब एक लूप चलाएंगे कि जब तक करंट नल के इक्वल नहीं हो जाता एंड करंट की वैल्यू
हमारी इस वैल्यू के इक्वल है, तब तक करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाते रहो। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ चेक करा कि करंट नल है कि नहीं है। यहाँ पर करंट नल नहीं है। अब हमने देखा करंट की वैल्यू जो है वो 3 है, तो करंट को नेक्स्ट पे ले जाओ। करंट यहाँ से हटा और करंट आ गया नेक्स्ट पे। अब हमने अगेन चेक करा कि करंट जो है वो नल नहीं है एंड करंट की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। हमने फिर से करंट को आगे कर दिया, करंट आ गया इस 4 पे, राइट करंट आ गया इस 4 पे। अब हमने देखा करंट नल नहीं है, लेकिन यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है मतलब 4 इस 3 के इक्वल नहीं है, 4 इज नॉट इक्वल टू 3। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें अपने प्रीवियस के नेक्स्ट को मतलब इस वाले पॉइंटर को सीधा करंट पे अटैच कर दो। ये पॉइंटर यहाँ से हटेगा और सीधा करंट पे अटैच हो जाएगा। तो आप देखोगे तो ये 3 और ये 3 दोनों डिलीट हो गए, राइट, ये डुप्लीकेट और ये डुप्लीकेट दोनों डिलीट हो गए, हमने इनको डिलीट कर दिया। यहाँ पर ये 2 डायरेक्टली इस 4 से लिंक हो गया, हमने डुप्लीकेट हटा दिए। अब सेम अगेन टास्क परफॉर्म करेंगे कि करंट नल नहीं है तो लूप के अंदर आ जाओ, राइट, करंट नल नहीं है तो हम लूप के अंदर आए। लूप के अंदर आके हमने ये कंडीशन चेक करी, इफ करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट का नेक्स्ट मतलब ये 4, ये नल नहीं है, करंट की वैल्यू जो है करंट के नेक्स्ट की वैल्यू के इक्वल है, 4 इज इक्वल टू 4, हमें फिर से डुप्लीकेट मिल गए। डुप्लीकेट मिल गए तो हमें क्या करना था, करंट की वैल्यू को इस वैल नाम के वेरिएबल में डाल दो। तो हमने क्या करा, वैल नाम के वेरिएबल से 3 को हटाया और अपडेट कर दिया, यहाँ पर आ गया 4। डुप्लीकेट मिले, हमें सेम लूप चलाना है कि जब तक करंट नल नहीं हो जाता एंड करंट की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के इक्वल है। अब हमारे केस में करंट की वैल्यू मतलब ये 4 इस 4 के इक्वल है, करंट को उसके नेक्स्ट पे ले जाओ। करंट यहाँ से हटा, करंट आ गया इस वाले 4 पे। यहाँ भी हमने देखा करंट नल नहीं है, करंट की वैल्यू मतलब 4 इस 4 के इक्वल है, अगेन करंट को नेक्स्ट पे ले जाओ, हम करंट को फिर से नेक्स्ट पे ले गए। अब हमने देखा करंट नल नहीं है लेकिन यहाँ पर करंट की वैल्यू मतलब 5 और 4 बोथ आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल के केस में हम क्या करते हैं, जहाँ भी प्रीवियस खड़ा है, प्रीवियस यहाँ खड़ा है, प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट से अटैच कर दो। तो प्रीवियस का नेक्स्ट इस 4 से हटेगा और इस 5 पे आ जाएगा, मतलब अगेन दोनों 4 डिलीट हो गए बीच में से। हमने क्या करा, अगेन इन दोनों 4 को बीच में से उड़ाया और प्रीवियस के नेक्स्ट को, करंट यहाँ पर था और हमने प्रीवियस के नेक्स्ट को डायरेक्टली करंट से लिंक करवा दिया। अब हमने क्या करा, अब हमने फिर चेक करा, करंट जब तक नल नहीं है तब तक आप लूप चला दो, है ना। तो करंट नल नहीं है, हम लूप के अंदर आए। लूप के अंदर आके हमने ये कंडीशन चेक करी। इस कंडीशन में सबसे पहले हमने देखा कि भाई करंट का नेक्स्ट जो है वो नॉट नल है, करंट का नेक्स्ट जो है वो नॉट नल नहीं है, करंट का नेक्स्ट जो है वो नल है, राइट, नल है। तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स कंडीशन पे आए। एल्स कंडीशन में क्या लिखा है, प्रीवियस को आगे कर दो और करंट को आगे कर दो। तो हमने प्रीवियस को करंट पे ले गए, प्रीवियस आ गया करंट की जगह पे, राइट, और करंट को आगे कर दो, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। करंट यहाँ से हटा और करंट अपने नेक्स्ट पे चला गया, मतलब करंट चला गया नल पे। अब करंट नल पे आ गया तो हमें क्या करना है, फिर वाइल कंडीशन चेक करी कि करंट जब तक नल नहीं हो जाता, लेकिन इस केस में तो करंट नल है, है ना, करंट नल है मतलब हमारी वाइल कंडीशन खत्म। वाइल कंडीशन खत्म तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने हेड को रिटर्न कर देंगे। हेड 1 पे खड़ा है, लिंक लिस्ट हमारी क्या बन गई, 1, 2 और 5, यही हम चाहते थे, है ना। हमने बीच में से 3 को उड़ा दिया दोनों और बीच में से दोनों 4 को डिलीट कर दिया, हमारा काम हो गया, इतनी सी हमारी कंडीशन है। अब एक केस हम और चेक कर लेते हैं एक नई लिंक लिस्ट पे। मान लो हमें लिंक लिस्ट गिवन है 1, 1, 1, 1, 2, 3, ये हमें लिंक लिस्ट गिवन है, 1 जो है वो लिंक लिस्ट का हेड है, राइट। हमने अगेन अपनी अप्रोच शुरू करी, प्रीवियस को नल पे रखा, करंट को हेड पे रखा। हमने देखा जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक लूप चलाएंगे, करंट नल नहीं है, हम लूप के अंदर आए। हमने चेक करा कि इफ करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अब करंट का नेक्स्ट मतलब ये 1, नल नहीं है। हमने चेक करा करंट की वैल्यू और करंट के नेक्स्ट की वैल्यू इक्वल है, करंट की वैल्यू मतलब 1 और करंट के नेक्स्ट की वैल्यू मतलब 1, दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल के केस में मतलब डुप्लीकेट के केस में हम क्या करते थे, वैल नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर करंट की वैल्यू डाल दी, 4 हटाया और यहाँ पर 1 डाल दिया हमने, है ना, वैल नाम के वेरिएबल में 1 डाल दिया। अब अंदर वाले वाइल लूप में आए, हमने देखा कि जब तक करंट नल नहीं हो जाता एंड करंट की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के इक्वल है, तब तक लूप को चलाते रहो। अब यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है वो 1 है, हम करंट को नेक्स्ट पे ले गए। करंट यहाँ से हटा, करंट आ गया नेक्स्ट पे, यहाँ पर करंट आ गया। यहाँ भी करंट नल नहीं है और करंट की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, करंट को फिर से यहाँ से हटाओ और करंट को यहाँ पर ले जाओ। अगेन करंट नल नहीं है, करंट की वैल्यू जो है वो 1 है,
और दोनों सेम हैं, करंट को नेक्स्ट पे ले जाओ। यहाँ पर भी करंट नल नहीं है, करंट की वैल्यू जो है वो इस वेल के इक्वल है, करंट को नेक्स्ट पे ले जाओ। यहाँ पर आके कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, है ना, यहाँ पर करंट नल नहीं है लेकिन करंट की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से मैच नहीं कर रही, कंडीशन होगी फॉल्स। अब हमें क्या करना है, अंदर वाला व्हाइल लूप जो है वो हो गया ब्रेक, अंदर वाला व्हाइल लूप ब्रेक हो गया। अब अंदर वाले व्हाइल लूप को ब्रेक करते ही हम क्या करते थे, प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट से अटैच करवाते थे, लेकिन यहाँ पर तो प्रीवियस ही नल है, है ना, यहाँ पर प्रीवियस नल है, नल का नेक्स्ट कहाँ से लाएंगे। तो हमें ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि अगर तो प्रीवियस नॉट नल है, अगर तो प्रीवियस नल के इक्वल नहीं है, मतलब प्रीवियस किसी ना किसी नोड पे खड़ा है, अगर तो प्रीवियस नॉट नल है तो प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट पे ले जाओ, लेकिन अगर प्रीवियस ही नल है मतलब हमें इन सारे वन को डिलीट करना है, है ना, ये सारे वन स्टार्टिंग में आ गए, मतलब ये जो टू है ये अब हमारी लिंक लिस्ट का हेड बन जाएगा। तो ये हम कैसे करेंगे, अगर प्रीवियस नल है तो हेड इक्वल टू करंट कर दो, कि जो करंट है इसको हेड बना दो, है ना, हेड को करंट पे ले आओ, कि पहले की सारी नोड जो है ये सब डुप्लीकेट थी, अब जो हमारा नया हेड है वो ये टू से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस हेड को यहाँ से हटाएंगे और इसको इस टू पे ले आए, तो ये सारे वन जो है ये बीच में से डिलीट हो गए। तो ये हमारी अप्रोच कुछ ऐसी रहने वाली है, हेड यहाँ पर अपडेट हो गया, अगेन हम फिर से वही लूप में घुस जाएंगे कि जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक चेक करो, अंदर जाके इस वाली इफ कंडीशन को चेक करो, इसको चेक करो, जब तक हमें इक्वल मिलते जा रहे हैं मतलब डुप्लीकेट मिलते जा रहे हैं तब तक करंट को नेक्स्ट पे ले जाते रहो, मतलब जो भी हमने अभी अप्रोच देखी हम एज इट इज उसको फॉलो करेंगे। तो इस कोड को डायरेक्टली लीड कोड पे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्टेप वन मेक टू पॉइंटर्स, राइट, दो पॉइंटर बना लो, वही एक प्रीवियस होगा एक करंट होगा, प्रीवियस रहेगा नल पे, करंट रहेगा हेड पे। हमने लिस्ट नोड टाइप का एक प्रीवियस बना लिया, उसको नल पे कर दिया, एक हमने लिस्ट नोड टाइप का करंट बना लिया उसको कर दिया हमने हेड पे, सेमीकॉलन, ठीक है, दो पॉइंटर हमने बना लिए। अब हमने क्या देखा था, जब तक ये करंट नल नहीं हो जाता तब तक लूप को चलाओ, बिकॉज ये करंट जो है वो लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करेगा, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। लूप के अंदर घुसते ही हमने क्या देखा था कि इफ करंट की वैल्यू इज इक्वल टू करंट के नेक्स्ट की वैल्यू, राइट, अगर करंट की वैल्यू और करंट के नेक्स्ट की वैल्यू इक्वल है तो हमें कुछ करना है, राइट, और अगर नहीं है तो भी हम कुछ करेंगे। अब हमने ये भी देखा था कि करंट की वैल्यू को करंट की नेक्स्ट की वैल्यू से कंपेयर करवाने से पहले हमें नेक्स्ट को चेक करना पड़ेगा कि नेक्स्ट अवेलेबल है या नहीं, चेक नहीं करेंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी, राइट, तो करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर तो करंट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं है मतलब एक वैलिड नोड है तो हम करंट को उसके नेक्स्ट की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। ये तो हो गया डुप्लीकेट का केस, इफ में आ गया डुप्लीकेट का केस, लेकिन अगर दोनों नोड जो हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट है, डुप्लीकेट नहीं है, तो एल्स में हम आएंगे। एल्स में हमें क्या करना है, हमने देखा था कि प्रीवियस को आगे कर दो करंट को आगे कर दो, तो प्रीवियस को करंट की जगह पे ले आओ, करंट को करंट की नेक्स्ट पे ले आओ, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, राइट। अगर दोनों नोड डुप्लीकेट नहीं है तो हमें क्या करना है, पॉइंटर्स को प्रीवियस को और करंट को एक एक स्टेप आगे कर दो। अब देखते हैं डुप्लीकेट के केस में हमें क्या करना है। डुप्लीकेट में हमने देखा था कि अगर तो दोनों नोड की वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू और करंट के नेक्स्ट की वैल्यू दोनों इक्वल हो गई तो सबसे पहले तो उनकी वैल्यू फेच कर लो। तो हमने क्या करा, एक वैल नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें करंट की वैल्यू डाल दी, वैल्यू हमने फेच कर ली। अब हमने क्या देखा था, हमें तब तक लूप चलाना है जब तक करंट की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, व्हाइल करंट की वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, राइट, जब तक करंट की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है तब तक हमें लूप को चलाना है। लेकिन यहां भी हमें एक्सेप्शन लगानी पड़ेगी नल पॉइंटर की, जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक हमें ये चीज करनी है, बिकॉज अगर करंट जो है वो नल हो गया और हमने नल की वैल्यू को इसकी वैल्यू के साथ कंपेयर कर दिया तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आई। तो जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल है एंड करंट की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के इक्वल आ रही है, अब ये एरर नहीं देगा। तो हमने देख लिया कि जब तक करंट नल नहीं है और करंट की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के इक्वल है तब तक हम लूप को चलाएंगे, और लूप के अंदर हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट,
सिंपली करंट को एक एक स्टेप आगे लेके जाते रहो। अब करंट वहां आके रुक जाएगा जहां उसको सेम वैल्यू नहीं मिलेगी। अब सेम वैल्यू नहीं मिली तो हमें क्या करना है, प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट से अटैच कर दो, बीच में से जितने भी डुप्लीकेट नोड थे सबको डिलीट करो, वो सब ऑटोमेटिकली डिलीट होंगे। हमें सिर्फ प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट के साथ कंपेयर करना है। लेकिन हमने अपने सेकंड एग्जांपल में देखा था कि उसके लिए भी हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर तो प्रीवियस नल नहीं है तब हम प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट से अटैच करेंगे। अगर प्रीवियस नल है इसका मतलब स्टार्टिंग के सारे नोड जो हैं वो डुप्लीकेट थे और हमें अब करंट को हेड बनाना है, राइट। तो इफ प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, अगर प्रीवियस नल नहीं है तो क्या करो, प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट पे अटैच कर दो। अगर प्रीवियस नल नहीं है मतलब प्रीवियस किसी वैलिड नोड पे खड़ा है तो उस नोड के नेक्स्ट को करंट से अटैच कर दो, बीच के जितने भी डुप्लीकेट थे वो सब गायब हो गए, राइट। लेकिन अगर प्रीवियस नल है, अगर प्रीवियस नल है तो हमें क्या करना है, करंट को हेड बनाना है। तो हमने क्या करा, हेड इक्वल टू करंट। ये हमारा इतना सा कोड था सिर्फ, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप अप्रोच दोबारा चेक करना और कोड को एक बार स्टार्टिंग से देखना, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अब हमें एट द एंड करना क्या है, हम जब इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे हमारे सारे डुप्लीकेट जो है वो हट चुके होंगे, सारे डुप्लीकेट जो है वो रिमूव हो चुके होंगे। अब जहां भी हमारा हेड खड़ा है उसको रिटर्न कर दो, जहां भी हेड खड़ा है उसको रिटर्न कर दो, वो है हमारी अपडेटेड लिस्ट का हेड। तो यही थी हमारा आज का कोड, इसको रन करते हैं। रन करने पे इसने दोनों सैंपल टेस्ट केस हमारे पास कर दिए। अब इसको फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने पे हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया, इसका मतलब हमारी अप्रोच एकदम सही काम कर रही है। इस अप्रोच में और पिछली अप्रोच में बहुत माइनर सा फर्क है, हमें सिर्फ और सिर्फ जहां भी दो नोड डुप्लीकेट मिले हमें प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट पे लेके जाना है, सिर्फ इतना सा हमारा काम है। हमने दोनों नोड को बीच में से, दोनों मतलब जितने भी डुप्लीकेट नोड थे उनको बीच में से डिलीट कर दिया। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और कोई लीट कोड की स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लीट कोड की प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।